हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसे फुल टाइम मेंबर ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया है, नियुक्त किया गया है उन्हें। तो उनका नाम देखिए संजीव सान्याल है। और मैं इनके बारे में बता दूं, ये स्कॉलर रह चुके हैं इकोनॉमिक्स के मामले में, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ये लेक्चर देते हैं और इनकी बहुत समझ है। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख पाओगे। और ये फुल टाइम जो है अब मेंबर बन चुके हैं, इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बस ये बताना है निम्नलिखित में से किस नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, फेमस फ्रीडम फाइटर, और इनकी जो आइडियोलॉजी रही है गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता की, शकुंतला चौधरी का हाल में ही निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो देखिए, शकुंतला बाई देवी के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज री इलेक्टेड आइस हॉकी प्लेयर ईमा। देखो, ये जो आपको यहाँ से आइस हॉकी खिलाड़ी जो है एमा टेरोहो की नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पहले भी रह चुकी है और इनको री इलेक्ट किया गया, याद रखिएगा। तो ये किस देश की थी? तो ये फिनलैंड की है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर है ये, तो एग्जाम में आने के चांसेस इसके रहेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ताज महोत्सव 2022 जो है ऑर्गेनाइज किया गया है किस शहर में? सिंपल सी बात है, ताजमहल आगरा में है, तो आगरा में ये किया जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेम द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर। आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊं, ये जो अभी करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनके पिताजी भी कभी सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी के समय में। तो ये राइट आंसर होगा ज्योतिरादे एम सिंधिया। जी हाँ, इनके पिताजी का नाम माधव राव सिंधिया था, उनके नाम को ये बीच में अपने पिताजी के नाम को रखते हैं। तो आंसर आपका बी होगा, इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है, बी इसका करेक्ट आंसर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज। देखिए, बायलैटरल का मतलब होता है जहाँ पर दो कंट्री इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो एयरफोर्स है ब्रिज 6 और एयरफोर्स इंडिया के ओमान और इंडिया के बीच में जो है इन्होंने जो है युद्ध अभ्यास किया है। तो आपको बस ये बताना है वो कौन सा स्टेशन था जहाँ पे ये सारा काम हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एयर इंडिया फ्लाइट्स विथ ओवर डैश पैसेंजर फ्रॉम सॉरी फ्लाइट्स विथ देखो कितने पैसेंजर्स के साथ एयर इंडिया, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रही थी, तो कितने पैसेंजर को वहां से एवैक्यूएट किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 240, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो तो ये पेपर आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर नोट्स लेना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो ये आपको 499 में मिल जाएगा। इंक्वायरी के लिए yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने जो है अनाउंस किया है सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया, सिंस रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया इसके कारण उन पे सैंक्शंस लग रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, जापान, चाइना, यूक्रेन या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रिसेंटली विच कंट्री, आपको बस ये बताना है कि अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन स्ट्रेंथ टू द कंट्री में जो है शीघ्र वापसी का आश्वासन किस कंट्री ने इंडिया को दिया है? तो ये हमारा पड़ोसी है चाइना, जिसके साथ हमारी बहुत बुरी वाली दोस्ती चलती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, ये देखिए चाइना प्रॉमिसेस, और यहाँ से ये जो है इनके जो स्पोक पर्सन है वो भी आप यहाँ से देख पाओगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्रीज पीएम ऑफर्स अ टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। तो देखिए, ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं हमारे पड़ोस के ही इमरान खान, और वो बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ टीवी डिबेट करेंगे। तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन बी पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। आगे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द गोल्डन वीजा प्रोग्राम टू रिड्यूस फ्रॉड. तो यूके ने ये काम किया है रिसेंटली. विच ऑफ द फॉलोइंग आस्क इंडिया टू प्रोटेक्ट राणा अयूब. तो यूएन ने ये बातें कही है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. रिसेंटली चाइना इम्पोज सेंसन ऑन विच कंट्रीज डिफेंस कंपनी. तो ये यूएसए को इन्होंने सेंसन लगा दिया है. तो चलिए इसी तरह की वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर भी देखने को मिलते रहेगी. थैंक यू सो मच.